हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नए जो सनी देओल के आगे नए हीरो है कुछ भी नहीं है। सरदार तो उल्टा सनी देओल से खुश है, जो सरदारों का मान सम्मान बढ़ा है ओनली सनी देओल ने बढ़ा है। इस पिक्चर में जो एक्टर जो स्टेज करी है इसको मोदी और योगी भी कर नहीं पाएंगे। जय हिंद जय श्री राम, जय श्री राम। ओके मूवी आ रही है, क्या कहना चाहोगे नई मूवी के बारे में? ओके बेस्ट, ओके बेस्ट। हम बहुत तरफ रहे नई मूवी देखने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तू कैसी लगी जिंदाबाद? अब तो बस गदर टू देखनी है। गदर टू कैसी कैसी हो सकती है? इससे बेहतरीन होगी। गदर टू में जो है सनी देओल ने रोमांस किया है गुरुद्वारे के अंदर, जिसके ऊपर केस कर दिया है सरदारों ने, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो हमने देखा नहीं है सीन, वो देख के ही पता पड़ेगी। तो क्या कहना चाहोगे, मूवी कैसी रहेगी? मूवी अच्छी ही आएगी। मूवी कैसी भैया? ये पिक्चर बहुत कर रही है भाई गदर, और इसका पार्ट टू देखने की दो है। लेटेस्ट जो मूवी आ रही है उनके व्याप पे कैसी मूवी थी? बढ़िया मूवी, बढ़िया मूवी। तो अब जो गदर टू आएगी वो कैसी रहेगी? वो भी बढ़िया, 80% अच्छा, इससे और बढ़िया रहेगी। हाँ सॉलिड। इस मूवी में सर जो गदर टू है इसमें सनी देओल ने रोमांस किया गुरुद्वारे के अंदर हीरोनी के साथ, तो बता रहे हैं कि सरदारों ने केस कर दिया? नहीं नहीं ऐसा कुछ। सरदार तो उल्टा सनी देओल से खुश है, जो सरदारों का मान सम्मान बढ़ा है ओनली सनी देओल ने बढ़ा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। भैया फाड़ू मूवी है एकदम, कम से कम अब तक 100 बार देख चुका हूँ, लेकिन पता चला मुझे कि राज्य में गदर लगी हुई है, तो मैं दोबारा से आया हूँ। ये मैं 100 बार भी 100 बार आया हूँ अब ये मान लो, और मुझे जल्दी जल्दी इंडिया गदर टू कम, इतनी फाड़ू मूवी है इसका कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसी मूवी और भी आती है, सनी का होना सुपर हिट है, जिस फिल्म में सनी देओल होते हैं वो फिल्म हिट होती है। मूवी कैसी लगी सर? अच्छी लगी मूवी, बहुत बढ़िया है। तो मूवी में विलन का रोल कैसा था हीरो से? हीरो का रोल सही है, बहुत बढ़िया। मूवी कैसी लगी सर? एक नंबर। मूवी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मूवी कैसी पिक्चर है? यह बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, ये पार्ट टू भी बढ़िया आना चाहिए। दूसरा पार्ट बढ़िया लगेगी, अच्छी लगेगी, लगेगी अच्छी लगेगी, लगना चाहिए। सनी की फिल्म आती है सब बढ़िया आती है। सनी से पहले जो और भी हीरो खतरनाक हीरो आए पता चलेगी कैसी पिक्चर लगेगी। पठान टू के पठान जो आई है उस मूवी से कैसी है? ये सही है मूवी, ये बढ़िया है, सुपर बढ़िया, अच्छी पठान से ही पठान से बढ़िया। पंजाब अपना है, हिंदुस्तान अपना है भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सनी देओल की एक्टिंग कैसी रही? सनी देओल की एक्टिंग सही है, बढ़िया सुंदर, किसी के एक्टिंग नहीं है सनी देओल से। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी और योगी ने जो राज जमाया उसी हस्ती को सनी देओल ने इस पिक्चर में जो एक्टर जो स्टैंड करी है इसको मोदी और योगी भी कर नहीं पाएंगे। जो इलेक्टर इनने करी, मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, इनने खेचू उखाड़ के 26 जनों को मारा है हमारे सनी देओल जी ने, और 2.5 किलो की इनकी फैट है। इनके पापा तो अंडे अलग खा रहे, धर्मेंद्र नाम है उनका, वो तो अलग ही स्टेशन में है। तो आपको क्या लगता है गदर टू में भी ऐसे इन्हें लोग आने से? तो मुझे लग रहा है ये गदर टू तो हंगामे में मचाएंगे, इनका तो जवाब भी है। और गदर टू तो कह रहा है मैं तीसरा भी टू निकले इनका, गदर टू आएगी तो उसमें 3 नल खा लेगा सनी देओल, 3 नल। ये भैया बहुत ही सनी देओल बहुत ही अच्छे हीरो है, बहुत ही अच्छे एक्टर है, धर्मेंद्र के बच्चे हैं, बड़े बड़े खानदान के बच्चे हैं, राजपूत है, बड़े हैं, इनका मान रखते सम्मान रखते, इनके बच्चे अस्थि बिस्तर निकाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। और जो आजकल के हीरो हैं उनसे काफ़ी बढ़िया मूवी लेके, हाँ ये साउथ से ही बढ़िया मूवी रहा है, साउथ में भी बढ़िया है ये है। और देखो सलमान खान अपनी जगह है, सनी देओल अपनी जगह, सब अपनी जगह, जो मूवी हमें अच्छी लग रही है उसी मूवी के हम तारीफ निकालेंगे, वरना कोई मूवी के हम तारीफ निकालने लायक नहीं है सर, हमारा कहना है। मूवी कैसी रही सर आपकी? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। सनी देओल की मूवी देखने के बाद आपके जो लेटेस्ट जो जनरेशन है जो हीरो हैं नए वाले वो जो मूवी लेके आते हैं उसके मुकाबले कैसी रही? तो उसमें ये देखा है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर हुआ था 71 में उसकी कहानियाँ दिखाई जाएंगी इसके अंदर, जो 47 दिखा दी आज़ादी के बाद तो दिखाएंगे, मतलब क्या क्या दिखाया उसके अंदर? सनी देओल को एक कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया गया, एक देखा जाए तो एक तरह चक्कर उनके हाथ में था, जो पहिया होता है उसका टांगे का पहिया होता है, तो मान सकते हैं कृष्ण भगवान आ गए, और तो कुछ नहीं था। अब अमीषा पटेल की रो रहे हैं वो कभी शायद कब्रिस्तान है उसके अंदर रो रहे हैं, तो शायद डेथ हो गई हो शायद उसकी, शायद कह नहीं सकते।
विलन कौन है इसके अंदर? ये नहीं दिखाया इसके अंदर, दिखाया सिर्फ सनी देओल दिखाया है। अच्छा, ये अमरीश पुरी टक्कर कोई ले पाएगा वैसे क्या लगता है? तो मुश्किल है, नहीं है कोई अमरीश पुरी से कोई। किरदार अमरीश पुरी का था वो किरदार, शायद अब कोई ले भी ना पाया। नहीं ले पाएगा कोई, अमरीश की आवाज ही अलग है उसकी, तो आवाज ही अलग है, आवाज सुन लो उसकी बहुत इसके लिए। अगर अमरीश पुरी का टक्कर लिया जाए, मतलब कोई हीरो है बॉलीवुड में ऐसा जो उसकी टक्कर ले सके? है, प्रकाश राज है, आपके नवाज सिद्दीकी है, अच्छे अच्छे एक्टर है, पीयूष मिश्रा है, राजकुमार ये तो हीरो हुआ है एक्टर ने, विलेन में नहीं आ पाएंगे, विलेन में नहीं आ पाएंगे जी। प्रकाश राज बेस्ट बॉन्डेड वाली गन, नए जो सनी देओल के आ गए नए हीरो है, कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। फाइट वो एकदम रियल फाइट करते हैं सनी देओल की, फाइट भी अच्छी आती है, गाने भी अच्छे आते हैं। और जो नए हीरो होते हैं उनकी कंप्यूटराइज्ड फाइट रहती है, उसमें तो डबिंग चलती है, डबिंग की वजह से वो फिल्म अच्छी नहीं लगती हो। इस मूवी में जो गदर जो देख के आ रहे हो आप, इसमें नल उखाड़ा था सनी देओल ने, तो गदर 2 आएगी उसमें क्या कर सकते हैं? इसमें इस वाली गदर में हेडपम्प उखाड़ा है, और दूसरी वाली गदर में वो गोल चक्कर घुमाया है। आपने टीजर देखा है क्या उसका? हाँ अभी टीजर देखा था, अभी अभी देखा होगा। हाँ अभी देखा है। तो उस गदर 2 में बताया कि जो हीरो थे सनी देओल, उनने रोमांस किया था गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे में, तो उसके ऊपर सरदारों ने केस कर दिया मूवी के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? ये खबर तो ना पता मैं, कोई केस नहीं है, कोई केस ना है, मतलब ही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग मूवी बढ़िया है? बढ़िया है, मूवी बहुत बढ़िया है। सबसे मेन बात यह है कि जागी कोई आपके अकॉर्डिंग सनी देओल को मूवी लाते रहना चाहिए, गदर की कोई डबिंग ना कर पाओ, बाकी सब पिक्चर की डबिंग भैया है। गदर की कोई डबिंग ना भाई, गदर 2 जो आएगी इसी तरीके से सनी देओल को मूवी लानी चाहिए। हाँ लानी चाहिए, मैं तो कहता हूँ सनी देओल लानी चाहिए, पार्ट देखना चाहिए, जो इन्हें देखा है उसमें भी देखना चाहिए, वो भी लानी चाहिए, क्योंकि हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमारा सनी देओल और तरीके पे जा रहा है, क्योंकि नंबर तो देखिए हमने 2 भी देखना, हमारा चॉइस हो रही है 2 में किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से जैसे हमारा ये अमरीश पुरी है, उनने अपनी बच्ची के लिए एक पाकिस्तान के लिए उनने अपना अकरण मचाया, सनी देओल ने भी आप एक हिंदुस्तान के लिए अकरण मचाया, तो अपने बीवी बच्चों के लिए अपना बाप एक अपने जान को भी नहीं देखता है, उसके देश में उसके प्रदेश में बच्ची को अपने अपने चेहरे पे घर पे अपने परिवार में छोड़ के आता है, और वही पे वहाँ पर जाके वही हिंदुस्तान में जाके अपनी और अपने बच्चों की विजय करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौट आता है अपने बच्चों को लेके। एक दोस्त मर जाता है उसका, वो भी दोस्त अच्छा है, एक गदर 2 में देखेंगे आप कौन सा दोस्त लाएगा, कौन सा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 और हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद ही रहेगा। ये पार्टी अच्छा है उसका, पहले फर्स्ट पार्टी भी 20 साल बाद देखा फिर से, लेकिन ऐसा लगा कि अभी ओरिजिनल देख रहे हैं। ये जो गदर 2 है इसके अंदर एंड में वो दिखाया टीजर उसका, गदर 2 ना इसके अंदर बताया है, जो सन 1971 की लड़ाई दिखाई है इसके अंदर, सन 1971 में जो हादसा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी बॉर हुआ था, उसकी कहानी आगे बढ़ाई है फिल्म के अंदर, जो दिखाया है उसके अंदर पार्ट 2 में जो भी है, मतलब जो 47 की बात थी अभी, अब 71 में आ गए, जो अभी दिखाया स्क्रीन पे 71 दिखाया है, तो वो 71 तो बहुत बुरा था पाकिस्तान के लिए, बहुत बुरा था, हमारे लिए तो अच्छा था। टीजर जो दिखाया मतलब गदर 2 का दिखाया है, हाँ जो टीजर दिखाया है उसके अंदर क्या क्या दिखा आपका? एक लाइन आई है 1971 की, जो उस समय पाकिस्तान हरा था उसके अंदर हमसे, तो वो चीज़ अब इसमें दिखाई जाएगी अगले पार्ट के अंदर, जो 47 की बात थी मूवी आ रही है अब 1971 जो अब आई है जो सेकंड पार्ट में आएगी वो, और वो तो बहुत बुरा हादसा है पाकिस्तान के लिए। अगली जो मूवी आएगी कैसी रहेगी? सही रहेगी, बढ़िया रहेगी, जो भी सही है। इस मूवी में जो है जो हीरोनी है और सनी देओल, जो नई मूवी आ रही है इसमें गुरुद्वारे के अंदर रोमांस सीन हुआ है, उस वजह से काफ़ी बढ़िया हुआ, बढ़िया मिलेगा, सब चीज़ें बढ़िया चाहिए, पिक्चर बढ़िया चाहिए है, जो भी सही है, बढ़िया पिक्चर है भाई, बढ़िया है, और इससे भी आएंगे बढ़िया आएंगे इसकी। क्या वैसे कह नहीं अब देखने आ जाओ, देखने आए हो, क्या उम्मीद लेके आए मूवी से आप? गदर 2 से क्या, गदर 2 जो अब इसके बाद आएगी वो उसके में क्या उम्मीद करना चाहोगे आप? उम्मीद यही करना चाहूँगा वो बढ़िया लिख रहेगी। इस मूवी में जो है सनी देओल ने हेडपम्प उखाड़ दिया बिल्कुल, और इस मूवी में क्या करेगा गदर 2 में? इसमें क्या उखाड़ देगा और क्या करेगा, उखाड़ देगा। जो अब जो लेटेस्ट हीरो हैं हमारे, लेटेस्ट जो हीरो हैं हमारे, जैसे कि वरुण धवन हुए, सिद्धार्थ जो हुए, और भी लेटेस्ट हीरो हैं, इनकी बराबर है, इनकी सनी देओल की जो फाइट है इसमें क्या डिफरेंट लगता है? ये सब हीरो में से ज़्यादा फाइट सनी देओल की अच्छी है, सनी देओल रियल फाइट उठा देता है, रियल फाइट, रियल पिक्चर, रियल मतलब लाता है सनी देओल।
अरे भाई भाई खराब हुए और जो सब नए नए हीरो जे सब लोकल है सनी देओल के सामने सनी देओल इज द बाप है। अंकल आपको गदर 2 कैसी लगी? ये बहुत बढ़िया पिक्चर, हमने तो बहुत पुरानी देखी भाई, ये बहुत अच्छी पिक्चर है। ये सबके साथ मतलब फैमिली के साथ देखने की मूवी है, बहुत बढ़िया अच्छी है। तो अब जो नई मूवी आती है कि इन्हें लड़के जो हैं अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाते, बुन में मज़ा नहीं आता, जो पुरानी में आनंद आता वो चीज़ अलग है। अब जो गदर 2 है इसे भी इस मूवी को भी सनी देओल ऐसा बनाएंगे कि जो सारे जो लड़के हैं वो अपने माँ बाप के साथ देख सकें मूवी को, ऐसा बनाएंगे तो अच्छी है, बढ़िया आनी चाहिए पिक्चर, बहुत नहीं पिक्चर बहुत बढ़िया है। माँ बाप के साथ और फैमिली के साथ भी देख सकते हो इस मूवी, और किसी के संग देख सकते हो इस वाली 2 मूवी। मूवी सनी देओल जो हमेशा मूवी लेके आते हैं वो मतलब ऐसी लेके आते हैं कि फैमिली के साथ देख सको। अभी भी लेके आए थे कौन सी थी वो गदर से पहले सिंह साहब तक, सिंह साहब के वो भी पिक्चर अच्छी थी, बहुत बढ़िया पिक्चर, बढ़िया थी। हाँ वो दारुबन कल से बहुत बढ़िया थी, जो सिंह साहब द ग्रेट थी उस मूवी को सबके साथ देख सकते थे। बातों हमने 2-3 दफे देखी, बहुत बढ़िया पिक्चर है वो। तो गदर 2 में बता रहे हैं कि जो सनी देओल ने उन्होंने गुरुद्वारे में रोमांस कर लिया थोड़ा सा, तो आजकल तो लोग बाग थोड़े से भी बहुत बड़ी पहाड़ बना देते हैं, राई का सब बना देते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप कि सीन के ऊपर केस करना सही है या गलत है? नहीं नहीं सही है, बढ़िया पिक्चर, कोई मतलब सरदारों ने सीन के ऊपर केस कर दिया, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो सही है, गलत है ना वो? गलत है वो, तो बहुत बेकार, केस उन्हें वापस लेना चाहिए, लेना चाहिए वापस, और सही बात है, हकीकत है। फिल्म में ये चीज़ तो होती है थोड़ी बहुत, जगह तो होती है, रोमांस तक तो होता है, गुरुद्वारा हो चाहे कोई भी हो। तो मूवी के लिए क्या कहना चाहोगे, केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस मूवी के जो ओल्ड मूवी है गदर, इसके गाने कैसे लगे थे आपको, सही से बताओ? इसके गाने बढ़िया लगे, दिल को छू लेने वाले गाने, और गदर 2 के गाने कैसे हो सकते हैं? गदर 2 के अभी सुने नहीं है, गदर 2 के भी बढ़िया होने चाहिए, फैमिली लाइक गाने, ये फैमिली वाली मूवी है। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं, पिक्चर पर असर पड़ेगा। गदर पहली में भी दिखाया इन्होंने, रोमांटिक सीन था वो काट दिया था, छोटा सा दिया वो काट दिया था, और आगे चल के सनी देओल से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी नहीं, जो केस कर दिया अच्छा किया। तो अब जो जैसा वो सीन जो अभी मूवी में शूट तो हो चुका है, तो क्या लगता है वो सीन करना चाहिए करना चाहिए? नहीं करना चाहिए वो सीन, वैसे तो कटना चाहिए और पब्लिक का होता कोई देखना चाहता, समाज के लोगों ने उस पर केस तो कर दिया, तो फिर कटने चाहिए, इसके चक्कर में पिक्चर बंद हो जाए, केस कर दिया, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? वो गलत है, केस करना गलत है आपके अकॉर्डिंग? नहीं वो चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी उस सीन में। तो क्या लगता है सीन का काटा जाना, इसने का को पता होना चाहिए अंदर क्या हो रहा है, ये आप समझ रहे हो? इसी की ऐसा होना नहीं चाहिए था, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुद्वारे के अंदर ये रोमांस का रोमांस कोई भी रोमांस नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए गुरुद्वारे के अंदर, या केस वगैरह किया कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, बढ़िया सब बेकार है, ये सब गलत है, गलत है। तो क्या लगता है सनी देओल के आप सीन काटेंगे उसे? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ काटूँ, पर वो सही है भैया, पर जैसे सीन नहीं होना चाहिए गुरुद्वारे के अंदर, नहीं होना चाहिए मतलब मेन चीज़ है गुरुद्वारा चर्च या मंदिर, इसमें कोई चीन नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी है, कहाँ दिखाओ कहाँ ना दिखाओ। तो गदर 2 जो आएगी उसे देखने आओगे फिर आप? क्यों नहीं आओगे, जब इसको देखने आएंगे तो भी देखने आएंगे, 50,000 रुपये देखिए उसको भी देखने आएंगे। तो सनी देओल कर रहे फैन हो? नहीं सही है, सनी देओल बढ़िया टॉप का खिलाड़ी है, मतलब इसमें विलन जो है अमरीश, दूसरी बोल देखने ज़्यादा पिक्चर बोल, विलन जो थे अमरीश पुरी उनकी एक्टिंग कैसी थी? अमरीश पुरी की एक्टिंग उसकी भी सही है, टिकट है 30 रुपये की, सबसे सुपर रही है सनी देओल की, बढ़िया फिल्म रहेगी। इसमें जो गाना गाया है उन्होंने स्टार्टिंग में, वो गाना कैसा लगा? गाना बिल्कुल बढ़िया रहा, सुपर, मैं निकला सुपर हिट लेके, सुपर हिट लेके, सबसे सुपर है। ऐसे गाने अब कोई भी नहीं आ रहे लगता है, अब नहीं ऐसे गाने, नहीं अब आप कहाँ आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई गाना नहीं आ रहा है। गधे 2 गांड भार देगी सबकी, हे बप्पा भैया कितने बजे आ जाएगी? शाम को आए। मूवी कैसी लगी सर? बिल्कुल अच्छी रही भैया, इसके अकॉर्डिंग गधे 2 आएगी, वो कैसी आएंगी तो वो भी बेहतरीन होगी। मूवी में जो सनी देओल है ना, उसने पाकिस्तान में आके नल उगाड़ा है, दिखाया उसने, पाकिस्तान में उगाड़ेंगे। अब गदर 2 में क्या करेगा वो, कौन गदर 2 में क्या कर सकता है सनी देओल? समर उखाड़ेगा अपने, तो समर उखाड़ेगा ये भैया, खंबा ही उखाड़ेगा वो। आप तो